So, welcome back students on our English session. This is our third video, revision video for class 10 that we are going to discuss in this session. And actually, today is the 6th of July and topic is The Voice of the Rain. This is our third poem in our syllabus. This poem has been composed by the poet Walt Whitman. And first of all, before to explain this poem, actually we will come to know about the central idea of this poem that is very important according to us. So central idea is that in this poem, the poet Walt Whitman signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of the earth, right? यहाँ पर नर्चरिंग का मतलब होता है एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब होता है पालन पोषण करना, और पेंचिंग का मतलब होता है कूल डाउन, शांत करना, शांति देना. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, इन इन दिस पोयम पोएट टेल्स अस दैट रेन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो धरती के जो अलग अलग एलिमेंट्स, जिस धरती के एलिमेंट्स हम भी हैं, आप भी हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हम सब हैं, तो इन सब को शांत करती है रेन, इनको इनका पालन पोषण करती है. कैसे? अच्छी बारिश होती है तो अच्छे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो प्यास से पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको पानी मिल जाता है, दे गेट वाटर. देर आर मैनी इंसेक्ट्स ऑन दिस अर्थ जो बारिश के बाद ही बाहर निकलते, यू माइट हैव सीन. Right? So, rain is very important for us on this earth. Right? So, what is the role of rain in our life on the earth? This is told in this poem by Walt Whitman. Right? The rain returns to its place of origin from it rises unseen from the depth of water and from the land. It goes back, from it comes, जहां से ये आती है वहीं पर चली जाती है. कहां से उठती है? From the depth of water, पानी की जो सतह की जो गहराई है वहां से, और धरती पे जहां जहां नमी मौजूद होती है, जहां जहां पानी अवेलेबल होता है वहां से ये वेपर के रूप में. यू माइट हैव डिस्कस्ड और यू माइट हैव बीन टॉट अबाउट द रेन साइकिल इन योर अर्लियर क्लासेस. सो वहां पर आपको अच्छे से पता है रेन कैसे बनती है. तो वही है, जहां से ये उठती है इसका जो ओरिजिन है, ये अपना काम करती वहीं पे लौट जाती है. द रेन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग टू द रीडर्स, रीडर्स को बता रही है अबाउट इट्स ओरिजिन, फ्रॉम वेयर इट कम्स, अबाउट इट्स वर्क, व्हाट डज इट डू, व्हाट डज द रेन डू, and its cyclic movement. Cyclic movement means from earth towards the sky and from sky towards the earth. This is the cyclic movement of the earth. Sorry, rain. A comparison has been drawn between the rain and the music. Music and rain. A comparison has been made between them. How it is possible? How or why this comparison has been made? Because they both, means rain as well as music, they both give a very melodious feelings to human beings and other living beings on this earth, right? And after fulfilling their purpose, they return to their places of origin after completing their purpose. Let's see. A comparison has been drawn between the rain and the music as both of them make the world more lively. जब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब बारिश होती है तो हमारे हम बहुत खुश हो जाते हैं. देखना, बारिश जब जब होती है तो हमारा मन खिल उठता है, गर्मी से राहत मिलती है. अगर गर्मी में बारिश होती है तो मॉनसून में जब बारिश होती है और बड़ी अच्छी खुशबू धरती के अंदर से आती है, एक अजीब सी महक होती है, बड़ी अच्छी होती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक एक पेड़ खिल उठता है, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है. कब होता है? जब बारिश होती है. और सेम रोल इज प्लेड बाय म्यूजिक, भी कुछ ऐसा ही है.
जो गाने हमें पसंद है, जो म्यूजिक हमें पसंद है, उस म्यूजिक को सुनने के बाद हम काफी अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए कईयों की तो हॉबी भी होती है, कहते हैं ना कि माई हॉबी इज सिंगिंग, डांसिंग, और कुछ की होती है लिसनिंग म्यूजिक। समझ में आ गया? ओके, टू वर्ड्स आर न्यू इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट वन इज नर्चरिंग, उस मीनिंग इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट और अलाइनमेंटेशन, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। सेकेंड इज क्विंचिंग, क्विंचिंग मीन्स कूलिंग डाउन। नर्चरिंग, एलिमेंटेशन, अलाइनमेंट से बना है ये, एलिमेंटेशन और कूलिंग। सो ये है हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। अब हम आपको बताएंगे अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, कि व्हाट डज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द लाइन्स ऑफ द पोएम विच यू आर गोइंग टू बी टॉट। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ आर पोएम, द रेन ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। सॉरी, लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स विच आर रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। एंड हु आर्ट दाउ, हु मीन कौन, आर्ट मीन आर, दाउ मीन तुम कौन हो। पोएट हैड ए क्वेश्चन टू द रेन, रेन से एक सवाल पूछता है कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्टली जो बारिश की बूंदें गिर रही है, जो बौछारें गिर रही है, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल और गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, और उन्होंने मुझे एक आंसर दिया। जब मैंने रेन से सवाल किया तो मुझे एक जवाब मिला विच इज वेरी स्ट्रेंज, और वो बताने में बड़ा विचित्र है, और उसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। पोएट इज गोइंग टू ट्रांसलेट द एग्जैक्ट वर्ड्स टोल्ड टू हिम बाय द रेन, राइट? क्या कहती है यहां से पोएट, पोएम की जो आवाज है वो स्टार्ट होती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पोएम हूं, धरती की कविता हूं। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा कि मैं कौन हूं, धरती की कविता हूं। एटर्नल, एटर्नल मीन एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए, जिसका कभी अंत ना हो। एटर्नल हमेशा, आई राइज, मैं उठती हूं, इनपल्पेबल मतलब मुझे कोई टच नहीं कर सकता, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई मुझे महसूस नहीं करता। इस तरीके से मैं उठती हूं आउट ऑफ द लैंड, धरती के बाहर से, मतलब मैं बाहर जा, धरती से बाहर जाती हूँ, लैंड से, एंड द बॉटमलेस सी, अनंत सागर, अनंत गहराई वाले सागर से, और धरती से मैं उठती हूँ, अपवर्ड टू हेवन टुवर्ड्स द स्काई, वेंस वेयर, वैगवली क्लियरली, वैगवली मीन्स क्लियरली फॉर्म्ड, अलग अलग प्रकार की शेप्स आई फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, बादल के रूप में अलग अलग जो शेप्स है मैं बनाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, अचानक से बदल जाती हूँ, एंड येट द सेम, बट द प्लेस ऑफ माय ओरिजिन इज द सेम, प्लेस ऑफ माय ओरिजिन इज द सेम। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। न्यू वर्ड्स इज वैगवली मीन्स क्लियरली, वेंस फ्रॉम वेयर, इम्पल्पेबल अनेबल टू बी फेल्ट बाय टचिंग, जिसको हम टच करके महसूस नहीं कर सकते, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, इम्पल्पेबल। और एटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा विच वी हैव कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस, सेकेंड और लास्ट वी कैन से दैट पार्ट ऑफ दिस पोयम। I descend to lab, lab का मतलब होता है wash, to wash, ठीक है ना? मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, to wash the droughts, droughts का मतलब होता है dry spell of the earth, मैं उनको धोने के लिए, इनको droughts को, atom is atoms, सारे particles, dust layers of the globe, globe means earth, धरती के ऊपर जितने भी एटम्स है, डस्ट लेयर है, उनको धोने के लिए मैं नीचे जाती हूँ। ऑल दैट देम इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और ये सब मेरे बिना,
एक मतलब बीज ही है, सीड्स है, अगर मैं नहीं जाती हूं तो इन्हें एक नया जीवन नहीं मिलता है। सीड्स है लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इसका मतलब क्या होता है इनएक्टिव अनबोर्न, सॉरी इनबोर्न लिख दिया मैंने, अनबोर्न अजन्मे सीड्स है जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, एंड फॉर एवर हमेशा के लिए बाई डे एंड नाइट दिन रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को जन्म देती हूँ, जीवन देती हूँ। कैसे देती है वो, अगर धरती होगी तो पेड़ पौधे, धरती के ऊपर अगर बारिश होगी तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा और बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, और जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा वेपराइजेशन होगा और पानी ऊपर जाएगा और दोबारा से बारिश जल्दी आएगी। इस प्रकार से वो अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती है, कौन, बारिश, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसको बहुत सुंदर और शुद्ध बनाती है। यहाँ पर पोएम की बातें खत्म हो गई, सॉरी रेन की। अब यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं इनके साथ, ये पोएट के वर्ड्स है, क्या कह रहा है, फोर सॉन्ग, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सॉन्ग का और रेन का, म्यूजिक का और रेन का। फोर सॉन्ग म्यूजिक के लिए इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने बर्थ प्लेस से उठता है आफ्टर फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, अपनी पर्पस को पूरा करने के बाद वॉन्डरिंग घूमता रहता है, रैक्ड और अनरैक्ड है, केयर करता भी है और नहीं भी करता। रैक्ड मीन केयर करना, अनरैक्ड मीन केयर ना करना, केयर करता भी है और नहीं करता, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और यह बहुत ही प्यार के साथ जो है वापस लौट जाता है। यहाँ पर जो है हमारी ये पोयम खत्म हो जाती है, और यहाँ पर जो है ड्यूली का मतलब है प्रॉपरली, समझ में आ गया। तो यहाँ पर पोयम खत्म होती है, आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए लवली डे।